अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नसीब खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है और आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं और वहाँ पे कीबोर्ड खराब होता है तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 200-300 रुपये में नया कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, और सिंपली आप पुराने वाला डिस्कनेक्ट कर देते हैं और नया वाला जाकर जो है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड खराब होता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप एक सील्ड यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कीबोर्ड लेदर से होगा, माउस लेदर से होगा, जो चीज़ खराब होगी आप जाके नहीं खरीद के रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नई चीज ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, और डेस्कटॉप की नस्बत यहाँ पे काफी मुश्किल होता है, ठीक है। सो आज के हम बात करेंगे कि अगर आपके लैपटॉप और कीबोर्ड खराब हो जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है और आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पहले रीजन की। दोस्तों हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे चार मेन रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कीबोर्ड खराब होता है आपके लैपटॉप का। और हमारे पास यहाँ पे जो पहला रीजन है वो है बैड हार्डवेयर ड्राइवर्स। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कोई भी फंक्शनलिटी जो कि आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो ड्राइवर्स की बेस पे होती है, ठीक है, और कीबोर्ड का भी ऑब्वियसली ड्राइवर होता है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, अगर आपका कीबोर्ड का जो आप कह सकते हैं आपके लैपटॉप का जो कीबोर्ड है अगर वो सही फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मे बी उसका ड्राइवर खराब हो, ठीक है। सो आप तो ड्राइवर चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिंपल यहाँ पे लोगों ने राइट क्लिक करना है स्टार्ट पे, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर सिंपली आप लोगों ने डबल क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है कीबोर्ड बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे आप बता दिया जाएगा कि आपका जो है कीबोर्ड ठीक काम कर रहा है यहाँ पे नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप ड्राइवर वाले ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे आप अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स अच्छे और लेटेस्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली जितने भी अच्छे ड्राइवर्स होंगे वो आपको जनरेट करके बता देगा और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मोस्टली लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड खराब होते हैं वो है डर्ट एंड डस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम यूज कर रहे होते हैं कहीं पर भी और वहाँ पे जितनी भी डस्ट होती है वो पड़ रही होती है, ठीक है, सारा जंग बचा होता है वहाँ पे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका लैपटॉप का जो है कीबोर्ड खराब हो जाए, ठीक है। सो आपने दूसरा काम क्या करना है, जितना भी वहाँ पे गंद होता है, ठीक है, डस्ट होती है, उसको साफ करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप कैसे साफ कर सकते हैं, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसे साफ करना चाहते हैं, हो सकता है आप ऊपर से साफ कर लें या फिर आप चाहे तो खोल भी लें लैपटॉप को, ठीक है, खोल के सफाई कर लें, बट मेन चीज जो है वो ये है कि आप लोगों ने जितने भी वहाँ पे कीज पर डस्ट वगैरह होती है, ठीक है, वो सारी आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। सो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आपका लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा और वहाँ पे जितने भी डस्ट वगैरह है आप उसे रिमूव कर देते हैं, सो मे बी उसके बाद वो जो है फंक्शनलिटी अपनी परफॉर्म करना शुरू कर दे। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से मोस्टली कीबोर्ड खराब होते हैं वो है बैड कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड और कीबोर्ड का जो कनेक्शन होता है वो इतनी अच्छी तरह नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से मोस्टली कीबोर्ड खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका सिंपल सोल्यूशन है, आप लोगों ने लैपटॉप को ओपन करना है, ठीक है, और वहाँ पे जो मदरबोर्ड और कीबोर्ड का जो कनेक्शन है आप उसे दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम दोनों आपस में। सो आपका लैपटॉप आई होप कि उसका जो कीबोर्ड है वो अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और ये भी एक आप कह सकते हैं रीजन हो सकता है कि वो अच्छी तरह परफॉर्म ना कर रहा, उसकी जो फंक्शनलिटी है या फिर वो टोटली डेड भी हो चुका है उनके, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट रीजन है जिसकी वजह से मोस्टली कीबोर्ड खराब हो जाते हैं वो है पुअर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ दोस्तों यानी कि कीबोर्ड जो है वो ही फॉल्टी होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इस केस में आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लैपटॉप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और उनका जो कनेक्शन है मदरबोर्ड और कीबोर्ड का उन्हें आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, ड्राइवर चेक कर सकते हैं। पहले तीन ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता तब आपको क्या करना होता है, तब आपको जब भी आप कीबोर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पर आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देता है, ठीक है, वो सीरियल नंबर आप लोगों ने लेना है और ईबे या फिर इसके अलावा किसी भी दूसरी साइट पर आप वो सीरियल नंबर दीजिए, ठीक है, और वहाँ से आप चेक कीजिए कि कोई नया कीबोर्ड मिस कर रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद आपको नए कीबोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, वो कीबोर्ड फिर किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। पहले तीन तरीके आप लोगों ने क्या करना है, ड्राइवर चेक करना है और उसकी सफाई करनी है, ठीक है, जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं उसे रिमूव करना है, उनका कनेक्शन चेक करना है मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, कीबोर्ड का कनेक्शन कैसा है, और अगर इन तीनों काम आप ये तीनों काम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो
फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वो कीबोर्ड, जो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। और आप नया कीबोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। नया कीबोर्ड कैसे लेना है, उसके सीरियल नंबर से मेक श्योर कि आप जो सीरियल नंबर है वो ठीक है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव हो सकता है थोड़ा, बट इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। सो इसी के साथ ही जाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो की समझ आई होगी कि एक्चुअली कीबोर्ड क्यों खराब होते हैं, क्या रीजन होता है और आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मतलब अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।